हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे प्रश्न है दोस्तों मेज, उसके बाद कछुआ, फर्नीचर, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न देखिए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको काउंट करके बताना है कि कितना त्रिभुज। बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे, जो देखते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सब आपके प्रीवियस ईयर के दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जो एजेंसी TCS और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट करें। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का 606 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखें तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट SSC CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो CGL का वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों, जो काफ़ी बेस्ट बुक है। इसमें इस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले हैं जो आपके प्रीवियस में पूछे और आपके एग्जाम में आएंगे। 2024 की भर्ती के लिए बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें देखिए आपका 7 सॉल्व पेपर दिया गया जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ है, और उसी के आधार पर 25 आपका प्रैक्टिस सेट निकाला है और 2500 प्लस सेलेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। लेकिन आपको दिखा देते हैं कि इस बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर देखा जाए, देखिए SSC जो CGL हुआ है एग्जाम 2023 का दोस्तों, यानी हाल प्रश्न पत्र दिखाया गया, चारों सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया गया। अगर आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर रीजनिंग का सवाल देखिए किस तरीके के पूछे गए आपके CGL एग्जाम में, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिखेगा दोस्तों मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, GK हो गया, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से विस्तार ढंग से इस बुक में समझाया गया है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों चक्षु प्रकाशन के द्वारा SSC CGL एग्जाम 2024 का सॉल्व पेपर भी है, तो उसको भी आप ले सकते हैं, तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। इन दोनों बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, चक्षु प्रकाशन का जो वेबसाइट है हर जगह पर उपलब्ध है, जरूर इन दोनों बुक को परचेज कर लीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है मेज है, कछुआ है, फर्नीचर है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। अगर बात करेंगे जैसे कि मेज जो हो गया, तो इमेज हम लोगों का किसके अंतर्गत चले जाएंगे दोस्तों, तो मेज जो है फर्नीचर के अंतर्गत आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। इस तरीके से ले जाकर इसका क्या कर देंगे दोस्तों, डायग्राम बना देंगे, ये फर्नीचर हो गया। और कछुआ का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, तो ई साइड में आप क्या लिख सकते हैं, कछुआ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कछुआ हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो हम लोगों का आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे मेज है, कछुआ है, फर्नीचर है, तो इसका वेन आरेख पूछा जा रहा है, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए हम लोगों का जो मेज बनता है एक तरीके से लकड़ी का, तो फर्नीचर के अंतर्गत आ जाएंगे, इसीलिए फर्नीचर के अंतर्गत रख दिए। लेकिन कछुआ तो आपका अलग हो जाएगा, इसीलिए उसका डायग्राम अलग बना देंगे, क्योंकि वो तो स्थल जल दोनों जगह पर रह सकते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कछुआ किस में आ जाएंगे, तो उभयचर में आ जाएंगे, जो कि उसका डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है, और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। करना क्या है, वीडियो को पॉज कर लेना और अपने से ट्राई करना है, पेन पेपर लेकर बैठे और सॉल्व करते हुए चलिए, और कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, 18 फिर लिखा 38, फिर यहाँ पर देखा जाए आगे लिखा हम लोगों के सामने 75, फिर लिखा है दोस्तों 152, थोड़ा 52 को अच्छे से लिख देते हैं, 152 और कोमा है यहाँ पर 303, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क इसी जगह पर गया। देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताएंगे, 18 से यदि आप चलेंगे 38 पर, इस पर क्या किया है, यहाँ पर गुना अगर 2 कर देंगे तो 18 दुना 36, आप प्लस 2 कर देंगे दोस्तों तो 38 हो जाएगा। उसी प्रकार से 38 से यदि 75 में जाएंगे तो गुना 2 कर देंगे, अब -1 कर देंगे तो 38 गुना 2 करेंगे 76, में 1 घटा देंगे तो 75 हो जाएगा।
उसी प्रकार से अगर इसमें चलेंगे तो 75 × 2 आपको पता है कि 150 होता है, और उसमें प्लस 2 कर देंगे तो हम लोगों का 152 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप चलेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 कर दें और माइनस क्या कर दें दोस्तों 1 कर दें, तो 152 × 2 कर लीजिए ना, और उसमें क्या कर लीजिए दोस्तों 1 घटा लीजिए, तो हम लोगों का 304 हो जाएगा। 152 × 2 कीजिएगा क्या आ जाएगा, 304 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ले लीजिए 150 × 150 300 हुआ और 52 है यानी 2 और 2 क्या हो जाएगा, यानी गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, उसमें एक घटाना है तो आ जाएगा। उसी तरीके से आप यहां से चलेंगे दोस्तों इस पे तो आपको क्या करना होगा, 2 कर देना होगा, देखिए एक बार 2 प्लस 2, एक बार 2 माइनस 1, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो गुना कर लिए 300 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 306 × 2 कितना हो जाएगा, 608 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा इस प्रश्न का आंसर 608 आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, यानी यहाँ पर 18 से देखिए 38 कैसे लिखा, 75 कैसे लिखा, 152 303 तो आगे कैसे आया, तो वही तरीका हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई छवि को प्रारूप को पूरा करता है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चलिए एक बार देखिए लॉजिक लगा के आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बात करेंगे यहाँ पर देखिए आपको पता चल रहा होगा कि एक त्रिभुज में इस तरीके से निकाला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों इसको अगर पूरा करना है तो यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है, मिला तो दिए, मिला देने के बाद हम लोगों का देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सटीक ढंग से बैठेगा, तो एक त्रिभुज बनेगा, यानी कि अगर इस जगह से हम लोगों का इस तरीके से और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा, देखिए हम थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा सा इधर हो जाएगा, रुक जाइए, यहाँ से इधर हो जाएगा और फिर हम लोगों के सामने ये इधर से हो जाएगा, और इस पे जाके इधर से कर देंगे और एक हम लोगों का यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, तो देखिए ऐसा जो है ऑप्शन नंबर आपका, और हाँ इसी तरीके का तो है हूबहू इसी तरीके का आएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए ई रेखा यहाँ से यहाँ तक सटा दिया, जबकि किसी में देखिए ई रेखा को क्या सटाया है, क्या एकदम अंदर लिया है, नहीं लिया है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, पहला तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो बात करेंगे दूसरा तो बिल्कुल हो रहा है, बाकी देखिए इस सब आकृति अलग अलग आकृति कर दिया, ये सभी कोई नहीं होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उचित ढंग से आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यहां पर क्या हुआ, लेकिन आप सब चीज समझ रहे हैं, इसमें देखिए कहां कहां रेखा गया वैसा तो एक भी आकृति में नहीं दिख रहा है, उसी प्रकार से इसमें देखिए कहां से आकृति कर दिया, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखा है, तो इसमें आपको बताना है कि टोटल कितना सीधी रेखा है, देखिए सीधा रेखा का मतलब जैसे ये एक सीधा रेखा इधर से है तो ये सीधा रेखा, मान के लिए इधर या कभी इधर कर सकता है, उधर कहीं भी कर सकता है, तो ये सब इस तरीके से आपको देखना है, तो यहाँ पर बात करेंगे सीधा रेखा पूछा है, तो देखिए एक ही सीधा रेखा, फिर इधर से लेंगे तो ये 2 सीधा रेखा, इसको लेंगे 3 सीधा रेखा, इसको यहाँ से लेंगे 4, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5, तो 5 सीधा रेखा ऐसे हो गया, 5 के बाद बात करेंगे ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 10, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। देखिए इसमें ये सब हम लोगों क्या ऐसा करेंगे, देखिए कोई सीधा रेखा दिख रहा है क्या, नहीं ये सीधा रेखा थोड़ी होगा, ये तो एक तरीके से हम लोगों का अलग आकृति बन जा रहा है, वहां पूछा है सीधा रेखा, इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, इधर से इस तरीके, ये सब सीधा रेखा के अंतर्गत है, लेकिन वो हम लोगों का नहीं होगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर, टोटल कितना रेखा है तो 10 सीधी रेखा, उसने पूछा है लेकिन सीधी रेखा पूछा गया क्वेश्चन है, जो TCS करवाया है सब क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम SSC, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, नेवी, UPSI, दिल्ली पुलिस जितने भी एग्जाम है सब LP टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल टेक्नीशियन, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, डाइस यानी पासा वाले सवाल दिया है, तो चलिए इसको चुटकियों में कर लेते हैं। आरेख के अनुसार दर्शाए गए पासे के फलक पर 6 अक्षर दिया गया, ABCDEF तक एकदम यहाँ से यहाँ तक लिख दिया, कह रहा है कि डी के फलक के विपरीत पर क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का क्या तरीका है, सबसे शॉर्ट सबसे सरल, जो दोनों में कॉमन दिख रहा है जैसे एफ यहाँ पर दिख रहा है, एफ यहाँ पर दिख रहा है, तो क्या और कहीं सब में एफ कुछ दिख रहा है जैसे ए बी, तो इसमें कहीं ए बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे एफ यहाँ पर भी लिख देंगे, एफ यहाँ पर लिख देंगे, ये हुआ हम लोगों का पहला पासा का, ये हुआ हम लोगों का दूसरा पासा का, और यहाँ से इसको इंडिकेट करके लिख दिए ये दूसरा पासा, यहाँ पर बोल भी देंगे इसको माने हम पहला पासा, इसको माने दूसरा पासा। अब देखिए यहाँ तक कर लेने के बाद अब इसी जगह से थोड़ा बेसिक बात को समझ लीजिए,
कि जहां ऐप मिला उस जगह से घड़ी की सुई की दिशा में, जिधर घड़ी चलता है उधर देखिए घड़ी का जो सुई होता है हमेशा इस तरीके से चलता है क्लॉकवाइज। तो पहला पासा में देखेंगे ऐप के बाद क्या आएगा दोस्तों, कोमा लगा देंगे तो ए आएगा, ये देखिए यहाँ पर ए आएगा कि नहीं, ए के बाद फिर क्या आएगा दोस्तों बी, अगर इस तरीके से घूमेंगे तो ए आएगा उसके बाद बी आएगा, तो वही कहानी हम कर रहे हैं, ए कोमा यहाँ पर क्या कर देंगे बी कर देंगे। उसी प्रकार से दूसरा पासा लेंगे तो ऐप के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों ई आ जाएगा, तो ठीक है दूसरा भाषा में लेंगे तो इस जगह पर ई हो गया, और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो यहाँ पर डी कर दिए। उसने पूछा डी के विपरीत फलक पर, तो आंसर निकल गया डी के देखिए विपरीत फलक पर क्या आ रहा है दोस्तों बी आ रहा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर, कुछ भी नहीं है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आपको समझना है देखना है तो देखिए हम सबसे शॉर्ट तरीका बताए, जो कॉमन मिला जैसे ऐप मिला तो इस जगह घड़ी के सुई की दिशा में चल दिए, तो ऐप के बाद देखिए यहाँ पर ए लिखे फिर बी लिखे, देखे ना ए उसके बाद बी, उसी प्रकार से ऐप के बाद यहाँ पर ई और डी, देखिए ई और डी लिखे, तो वही रवैया रच रहे हैं, बस आपको समझने में थोड़ा सा डर लगता है पहली बार देखने से, बेहिचक होने लगता है कि आखिर कैसे करेंगे, तो हमने एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता दिया। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी बार पूछा गया, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न, यहाँ पर तो बहुत सारा टाइम से नहीं हो पाएगा और अलग अलग आंसर आ जाएगा। इधर अभी यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो एक त्रिभुज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसके बीचों बीच ऐसे गुजार दिए तो अब कितना त्रिभुज हो जाएगा, तीन त्रिभुज, कैसे तीन त्रिभुज तो ये भी बात जिक्र करते हैं, एक त्रिभुज दो त्रिभुज और यहाँ से जो एक बड़ा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों तीन त्रिभुज, तो तीन त्रिभुज हो गया, तो चलिए यहाँ से उठा लेते हैं ये तीन त्रिभुज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से इसमें तीन हो जाएगा तो इसमें एक त्रिभुज हो जाएगा, इसमें हम लोगों के सामने तीन हो जाएगा, इसमें भी हम लोगों के सामने तीन हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा, तो गिन लीजिए तीन तीन छः एक सात तीन दस तीन तेरह एक चौदह, तो चौदह तक तो आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन तीन तीन छः एक सात तीन दस तीन तेरह एक चौदह, चौदह तक आराम से गिन लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, चौदह के बाद देखिएगा अब कहाँ कहाँ त्रिभुज बनेगा, ये देखिए यहाँ से भी तो हम लोगों का एक तीन त्रिभुज बनेगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंगे, क्या यही वाला आकृति जूम करके आपको दिखाना होगा कि देखिए वही वाला आकृति है कि नहीं, इसके बीचों बीच में ऐसे किया है तो वही आकृति देखिए यहाँ पर तीन त्रिभुज इसमें भी बन जाएगा, तो ठीक है सर, तो हम लोगों का चौदह तीन कितना हो गया सत्रह हो गया, तो सत्रह के बाद अगर बात किया जाए चौदह तीन सत्रह तक तो आपने काउंट कर लिया, सत्रह के बाद आप दिखाते हैं कहाँ कहाँ बन रहा है, तो सत्रह के बाद लेंगे दोस्तों एक त्रिभुज, ये देखिए यहाँ से हम लोगों का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा अट्ठारह त्रिभुज, तो अट्ठारह के बाद देखिए अठारह हो गया, उसके बाद एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहाँ से लेंगे दोस्तों तो उन्नीस हो जाएगा, इसको कर लेंगे तो ई उन्नीस हो जाएगा, ये देखिए उन्नीस तक आ गए, देख लीजिए एकदम कोई दिक्कत नहीं उन्नीस तक हो गया, और उन्नीस के बाद अगर बात करेंगे दोस्तों एक त्रिभुज और ईद के यहाँ से ईद के इसको आप कैसे छोड़ रहे हैं यहाँ से और यहाँ से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बीस हो जाएगा, तो टोटल इस आकृति में हम लोगों का कितना त्रिभुज होगा बीस आएगा, लेकिन बहुत सारा स्टैंड का यहाँ पर इक्कीस आ गया, किसी का उन्नीस में रह गया, तो कोई सत्रह कर रहा है अलग अलग आंसर कर रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा बीस त्रिभुज होगा। देखिए हमने एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से आपको समझा दिया इस आकृति में कितने त्रिभुज आएंगे बीस त्रिभुज आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर देख रहे हैं सीरीज कैसे आ रहे हैं, यही यहाँ पर सबसे बड़ा खेल है और इसको समझना होगा, तो चलिए कर लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जैसे देखिए छप्पन हजार को डायरेक्ट उसने यहाँ से यहाँ पर ले गया और क्या लिख दिया चौदह हजार, चौदह हजार से डायरेक्ट देखा जाए तो हम लोगों का अट्ठाईस सौ, अट्ठाईस सौ से आगे इस जगह पर क्या करना है इसी प्रकार से 140 उसी प्रकार से 35 उसके बाद 5, लेकिन अगर हम इसमें करेंगे तो फिर नहीं होगा, इसीलिए हम इसको यहाँ से लिख कर देंगे तो एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि छप्पन हम लोगों का हज़ार हो जाएगा, कोमा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 14000, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट सीरीज है यही सबसे मेन है, जैसे यहाँ पर लिख देंगे 2800, 2800 के आगे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पर हो जाएगा 140 और फिर हम लोगों के सामने 35 और आगे क्या है दोस्तों 7 दिया, सब में कोमा लगा दीजिए, थोड़ा इधर सटा के लिख दिए ताकि मेन तो समझना है ना, यहाँ पर इधर फोल फोल रखें तो जो जहाँ तक देखिए ज़रूरत है उसी पे चलेंगे क्योंकि उधर हमको क्वेश्चन मार्क तक ही चाहिए, तो छप्पन हज़ार से अगर 14000 पर आएंगे तो कितना करना होगा, तो इसमें सर चार से अगर भाग कर देंगे तो 14 जो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, उसी प्रकार से अगर 14000 से 2800 पे जाना है ना तो इसमें कितना करना होगा भाग 5 करना होगा, ये देखिए 5 से भाग देंगे 14000 में तो पहले 14 में भाग दीजिए 5 से, 5 दुना 10 हो जाएगा
और 405 48। उसी प्रकार से फिर इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें 4 से भाग कर देना है, तो 2800 में 4 से भाग दे देंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 700 आ जाएगा। उसी प्रकार 700 में 140 पे चलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 से भागा कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ से चलेंगे तो इस पर क्या कर देंगे, 4 से भागा कर देंगे। फिर आगे क्या करेंगे दोस्तों, 5 से भागा कर देंगे। इसी तरीके से चला, एक बार भागा 4, एक बार भागा 5, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 4। उसी प्रकार से इस जगह पर आप भाग 5 कर लीजिएगा, इधर हम नहीं करेंगे नहीं तो मिट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न ई ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना 700, ये देखिए 700 क्या हो जाएगा सर, बस उसने भाग किया, लेकिन 56000 में 4 से भाग देंगे 14000 नहीं आएगा, 14000 में आप 5 से भागा देंगे तो 2800 हो जाएगा। उसी प्रकार से 700 आएगा सब में, यानी एक बार 4, एक बार 5, 4 5 4 5, इसी तरीके से चला। अगला क्वेश्चन देखा जा रहा है कि दिए गए समूह के अनुसार संबंधित अक्षरों का चयन करें, यानी अक्षर पूछा जा रहा है। जैसे देखिए टी जी को इस प्रकार से लिखा है, यानी यू भी एच आई, तो वह ऐसा ही संबंध देखना है, वहां पर कितना लेटर जोड़ा है, कितना वृद्धि क्या है, इस तरीके से आपको सोचना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका लिख कर करेंगे, एकदम लिख कर करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, इसीलिए हम यहाँ पर लिख कर करेंगे। जैसे टी और जी, और इस जगह पर उसने लिखा है यू लिखा है, फिर भी लिखा है, फिर हम लोगों के सामने एच और क्या लिखा है दोस्तों आई, इधर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि उसने क्या किया। टी के बाद अगर देखा जाए, टी के बाद अगर यहाँ से टी के बाद क्या होता है दोस्तों, यू होता है, और उसी प्रकार से टी के बाद भी हम लोगों का टी के बाद अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, भी आ जाएगा। यानी देखिए टी के बाद ए बी सी डी अगर लिखेंगे तो टी के बाद यू होता है, और यू के बाद क्या होता है भी, यानी आगे वाला दो लेटर को लिया है। उसी प्रकार से जी के बाद अगर देखा जाए तो जी से हम लोगों को पता है जी के बाद एच होता है, और जी के बाद उसी प्रकार से आगे करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन उठाइए जो कि हम लोगों का फॉलो कर जाए। ये देखिए एल के बाद अगर हम लोग चलेंगे तो एल के बाद क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, तो उसने एन लिख दिया, तो कभी होगा क्या, नहीं होगा, पहला ऑप्शन हटा दीजिए। अगर यहाँ पर एच के बाद आगे वाला लेटर लेना है, एच के बाद देखिए आई, तो बिल्कुल सही हो रहा है, इसके यही वाला सही हो जाएगा, हमने देख लिया। इसलिए इस ऑप्शन को उठा लीजिए और इस जगह पर लिख लीजिए और आराम से कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा आई, फिर हम लोगों का जे और टी और क्या लिखा है दोस्तों यू, एकदम फॉलो कर जाएगा और आपका आंसर भी निकल जाएगा। देखिए एच के बाद अगला लेटर आई हो जाएगा, और एच के बाद अगला लेटर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। उसी प्रकार से एस के बाद देखा जाए तो एस का तो आपको पता है कि टी होगा, और एस के आगे देखेंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। तो फॉलो कर गया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही जैसा दिया गया था हूबहू वैसा कर लिए। टी के बाद आपको पता है कि टी के बाद यू होता है, और टी के बाद हम लोगों के सामने भी होता है। उसी प्रकार से जी के आगे देखा जाए तो एच होता है, और जी के बाद आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। अरे उसी प्रकार से देखना है समूह कौन सा निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी एच के बाद क्या आई जे, एस के बाद टी और यू, हूबहू उसी तरह अगला लेटर लिया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, स्टार वाला देख रहे हैं, बड़ा एकदम पूछा जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंट होता है स्टार वाला क्वेश्चन, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा और देखना होगा क्या हम लोगों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे पहला ऑप्शन उठाएंगे 16, हम माइनस कर लेंगे 31, और 16 माइनस 31 अब गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, 18 कर लेंगे, ठीक है 18, अब प्लस 2 कर लेंगे और भाग क्या कर देंगे दोस्तों, 11 कर देंगे और लिखेंगे 494। तो आप पहले यहीं देखिए क्या 2 से 11 में भाग लगेगा, पॉइंट में आ जाएगा, और यहां से यहां तक गुना करेंगे तो माइनस में आ रहा है, तो कभी पॉसिबल है क्या, नहीं होगा, एकदम आप करके देखिए नहीं होगा, पहला वाला हम एकदम क्लियर कर देते। अब बी को उठाएंगे तो 16 प्लस कर देंगे 31, ठीक है 16 प्लस 31, और यहाँ पर हो जाएगा -18, तो -18 और भाग क्या कर देंगे दोस्तों, 2 कर देंगे, तो 2 और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 11 कर लेंगे, तो 11 लिखेंगे 494। तो आपको लगता है क्या इसको करने के बाद होगा, अगर ईद गया 18 में 2 से भगा देंगे तो 9 गुना 11, तो 11 99 जोड़ेंगे तो कभी 494 नहीं हो पाएगा, तो क्लियर हो गया। आप देखें एक एक ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब इसको उठा के देखते हैं।
यहाँ तो ये देखो, ये तो पहले ही पता चल जाएगा। देखो 16 अभागा 31, क्या आपको लगता है कि 16 से कभी 31 में भाग लग पाएगा? पहले देखिए जब लिखेंगे ना तो आप इसी को समझिए कि सर इसको भाग देंगे तो ये तो पॉइंट में आ जाएगा, जबकि पॉइंट वाला वहाँ पर उस तरीके से होगा नहीं। और थोड़ा सा आगे बढ़ के भी देखेंगे क्या इस तरीके से करने के बाद सिम्बॉल बना रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर भी कोई पॉइंट में तो नहीं आ रहा है कि जोड़ के उतना हो जाए, तो नहीं हो पाएगा। अब सीधा सा है ऑप्शन नंबर डी को उठा लीजिए, देखिए एकदम आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर कर देंगे 16 गुना कर लेंगे दोस्तों 31, तो 16 गुना 31 और प्लस हो जाएगा हम लोगों के सामने 18, तो प्लस 18 कर दिए। और भाग कर देना है दोस्तों गुना, वही भाग कर देना है 2 और माइनस क्या करना है दोस्तों 11। इसको जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 494। इसको एक बार गुना कर देते हैं हम, देखिए हमको गुना करने में समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि 6 का 6 और 6 3 18 और इधर 1, तो क्या हो जाएगा 18 और 1 हो जाएगा 19 करी 9 हासिल रहा है 1 और 3 का 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस का प्लस 18 में 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों 11 कर लेंगे, अब बराबर क्या लिख देंगे 494। इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 9 6 15 करी 5, इधर इसको जोड़िएगा तो इधर दे देंगे तो 4 कितना हो जाएगा 505 हो जाएगा। 505 में जैसे ही 11 घटा लेंगे तो हम लोगों का 494 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अभी फिर उसी तरीके के प्रश्न आया, अभी यहाँ पर करवा चुके थे लेकिन यहाँ पर अलग टाइप के, एक ही पासे के 3 अलग अलग अक्षरों को दर्शाए गए और उन अक्षरों का चयन कीजिए जो ए के हम लोगों का फ्लग के विपरीत होगा। अब ए के विपरीत पूछा है तो इसको क्या करेंगे पहला पासा, इसको क्या करेंगे दूसरा पासा, इसको क्या करेंगे तीसरा पासा, और इसमें देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है। कॉमन अभी आपको वहाँ भी बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं कॉमन आपको देखना है, कॉमन कहाँ मिल रहा है। तो अगर बात करेंगे जैसे इसके सी और बी, इसमें भी मिल गया, उसी प्रकार से सी और बी क्या हो गया इसमें भी मिल गया, तो जब दोनों में मिल गया सी और बी तो हम लोगों के सामने उसने पूछा क्या है ए के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो ए वाला यहाँ पर बचा दे, ए के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों जेड हो जाएगा, देखते ही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा, देखेंगे और आंसर कर देंगे, बशर्ते आपको समझना होगा कि कैसे, अगर लिख कर करेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हमने देख कर आंसर करने के बाद जो कॉमन है सी और बी, लेकिन सी बी दोनों में, इसमें भी सी बी है तो ए के विपरीत पूछा जा रहा है, ए के विपरीत क्या निकल जाएगा जेड हो जाएगा, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वही ना होगा, तो एक विपरीत क्या हो जाएगा जेड आएगा इस प्रश्न का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ रहे होंगे, यदि किसी प्रश्न में डाउट होता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अभी भी देखिए फिर इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग तरीके का हमने देखा, अलग अलग एग्जाम में पूछा। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, कितने सीधी रेखा है, अब चलिए इसमें हमको बताइए कितना सीधा रेखा है, देखते हैं कौन कौन काउंट कर पाता है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमको दिखाए पीछे में, तो सीधा रेखा है हम काउंट करते हैं, 1 यहाँ से हो जाएगा, ये देखिए सीधा है, उसी प्रकार से ये 2, उसी प्रकार से इसमें लेंगे 3, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यहाँ से लेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 7, उसी प्रकार से ये लेंगे 8, ये लेंगे इधर से 9, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्या हो जाएगा 9। फिर से एक बार ये देखिए पहले यहाँ पर क्लियर, ये एक सीधा रेखा है, उसी प्रकार से ये एक सीधा रेखा है, तो 2 रेखा हुआ, इधर से 3 लेंगे, इधर से 4 लेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो 7, उसके बाद ये हो जाएगा 8, यहाँ से यहाँ 9, तो क्या हो जाएगा 9। उसने क्या पूछा कितने सीधी रेखा, तो सीधा रेखा कितना हो जाएगा 9, लेकिन बहुत सारा ज्ञानी अनुभवी सब बैठे हैं, किसी का 11 12 8 9 ऐसे ऐसे आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 12 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति में कर रहा है कि दी गई आकृति में अगली आकृति का चयन करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का, यह बात आपको बताना है। यहाँ पर श्रृंखला एक सीरीज टाइप में क्वेश्चन दिया है, लेकिन चित्र वाला सीरीज है, तो देखिए आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 आकृति, जैसे यहाँ से देखिए 1 आकृति 2 आकृति, इसमें 3 आकृति है, तो यहाँ पर लिखेंगे इधर 3 आकृति लिख देंगे। इसमें देखा जाए तो देखिए 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3, उसके बाद 4 और 5, इसमें क्या बना है दोस्तों पंचभुज बना है, यानी बाहर वाला जो आकृति देख रहे हैं 3 5, उसी प्रकार से इसमें चलेंगे ना 1 9, इसमें देखिए काउंट कर लीजिए, इधर से हो जाएगा 1 2, इधर 3 4 5 6 7, इसमें कितना है दोस्तों 7 बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो 7 आकृति बना हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा 7 आकृति, देखिए ना ऐसे इधर से लिया है, फिर 2 यहाँ से लेंगे 3, तो इधर हो जाएगा 4 5 6 7, इसमें 7 हो गया, तो देखिए 3 5 7, तो अगला जो आकृति आएगा यहाँ पर ना 9 वाला आएगा, तो 9 वाला आकृति आएगा
जो देखिए किस ऑप्शन में लाइजन है, इस तरीके से होगा, फिर हम लोगों के सामने इस तरीके से होगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से होगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से होगा, इसके बाद इस तरीके से करने के बाद देखिए फिर हम लोगों के सामने यहाँ पर देखिए और एक तरीके से लेना होगा तब जाके होगा। इस तरीके से ले होने के बाद क्या किया दोस्तों, फिर से हम लोगों के सामने इधर कर दिया और थोड़ा सा उसी प्रकार से फिर हम लोगों के सामने इधर कर दिया, फिर हम लोगों के सामने इधर किया, फिर हम लोगों के सामने इधर, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा इधर किया, फिर इधर किया करेगा इस तरीके से और फिर इस तरीके। तो इसमें अगर आप देखो नौ आकृति यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो नौ आकृति आएगा, तो नौ आकृति आएगा, तो नौ आकृति वाला आप देखिए इस जगह जो बनाइएगा नौ आकृति आएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर एक आकृति अंदर में बना एक, उसी प्रकार से त्रिभुज देख रहे हैं तो तीन, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये हो जाएगा पाँच, आगे जो यहाँ पर बनेगा दोस्तों छह भुजा वाला बनेगा, यानी कि षष्ठ भुज आएगा इस जगह पर जो इसके अंदर में बनेगा ना, तो इधर से होगा, फिर हम लोगों के सामने इधर से होगा, इधर से यानी कि तीन हो गया, फिर हम लोगों के सामने इधर से चार हो जाएगा, ये देखिए तीन चार पाँच, उसके बाद इधर से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों छह भुजा वाला आएगा। तो देखते हैं कौन ऑप्शन में मिल रहा है, दो 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 चार दो छः, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा, बाकी ये सब कोई नहीं होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा टेंशन नहीं हो पाएगा, हमने लॉजिक लगाकर बता दिए, आपको थोड़ा समझना होगा, देखिए फिगर है तो इसीलिए यहाँ पर हमको बनाने में समय लगेगा, लेकिन हम समझाने का आपको तरीका बता रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल समझ में जाएंगे कि ये जो दिया गया आकृति, देखिए तीन आकृति है, इसमें देखेंगे तो ये पाँच आकृति है, तो ये तीन आकृति, ये पाँच आकृति, ये जो आकृति आप इसको देखेंगे तो इसमें सात है, तो अगला जो आकृति आएगा ना इस जगह पर तो नौ आकृति वाला आएगा, और नौ आकृति वाला आएगा ये बाहर वाला आकृति वाला, अंदर वाला हम देखेंगे तो एक आकृति, यहाँ पर तीन आकृति, यहाँ पर देखेंगे तो पांच, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों सात, यानी कि हम लोगों का नौ आएगा और फिर क्या आएगा दोस्तों सात, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। फिर भी नहीं समझ पाए तो आप जरूर कॉमेंट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अब आ गया है शुरू उस खेल का खेलने के लिए, तो चलिए तैयार हो जाइए, कह रहा है कि आठ मित्र के एल एम एन ओ पी क्यू आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, उसके बाद कहा है कि पी क्यू जो है दो व्यक्ति बीच में है, एम के दाएं से दूसरा है, फिर एम दाएं से दूसरे व्यक्ति नहीं है, आर पी के दाएं से दूसरा है, क्यू के बाएं तीसरा है, इस तरीके से एन ओ किसी छोर पर नहीं है, तो पंक्ति के बाएँ छोर पर कौन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है दोस्तों, एकदम कमर कस लीजिए और अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए, रिसेंटली पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन, कर रहा है कि देखिए के एल एम एन ओ क्यू पी क्यू आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह कर बैठा है, उत्तर में बैठा है तो आपको हमेशा फिक्स रखना है कि इस साइड में आपका दायां आएगा और इस साइड में क्या आएगा दोस्तों बायां, ये फिक्स है, लेकिन कब, जब यहाँ पर एक बात मेंशन रहेगा, उत्तर अगर कहाँ तो दायां बायां इधर लेंगे। अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं, पहले बीच वाला कभी भी नहीं बैठाएंगे, गलती से भी नहीं बैठाएंगे कि बीच में ओ पी, पहले किसको बैठाते हैं दायां और बायां को, जैसे यहाँ पर इधर के दायां बायां का खेल यहाँ पर रखा है, एम जो है के दाएँ से दूसरा है, यानी अगर बात करेंगे M जो है तो इस जगह पर ले लेते हैं दोस्तों, हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा, सबसे आराम से बैठ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। M जो है K के दाएं से दूसरा, अगर K को इस जगह पर ले लेते हैं तो K का इधर के पहला हो गया, देखिए दायां किधर लिखे हैं, इस साइड में लिखे ना, इधर के दायां साइड में जा रहे हैं कि नहीं, एम हम लोगों का बिल्कुल सही है, कह रहे हैं एम जो है K के दाएं से दूसरा है, तो M देखिए K के दाएं से दूसरा, क्योंकि दायां आप इस साइड में लिखे तो दायां इधर ही लिखना होगा, ये सब हटा देंगे तो समझाने के लिए। अब देखा जाए, फिर लिखा है कि एम के, यहाँ पर एक लाइन क्लियर किया है कि एम के दाएं में कोई व्यक्ति नहीं बैठा, अब एम के अगर इधर कोई व्यक्ति को हम लोगों को बैठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया कि एम के दाएं में, क्योंकि दाएं साइड है तो एम के साइड में कोई नहीं बैठेगा, तो इसको हटा लीजिए, अब एकदम लाइन खींच दीजिए, टोटल आठ आदमी है तो तीन लोग बैठा दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा, यहाँ पर हो जाएगा पाँचवा, यहाँ पर हो जाएगा छठा, यहाँ पर हो जाएगा सातवां, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आठवां, देख लीजिए एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गया, अब क्लियर हो गया, आठों लोग को हम बैठा दिए, ठीक ना। अब देखते हैं क्या क्या कहा है, यहाँ आगे बढ़ेंगे तो फिर लिखा आर जो है इधर, यहाँ पर लिखा आर जो है पी के दाएँ से दूसरा और क्यू के हम लोगों का बाएँ से क्या है दोस्तों तीसरे स्थान पर है, तो देखिए R जो है P के दाएं से दूसरा और Q के हम लोगों का अगर यहाँ से देखिए Q अगर यहाँ पर लेते हैं तो Q के बाएं से तीसरा, एक दो तीन इधर तो होगा नहीं, तो Q को यहाँ पर अगर बैठा लेते, ध्यान से देखिए Q को अगर यहाँ बैठा लिए, उसने कहा कि देखिए R जो है P के दाएं से दूसरा और Q के बाएं से तीसरा, तो क्योंकि एक दो यहाँ पर ले एक दो तीन,
तो कह रहा है कि तीसरा है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, तो इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आर हो जाएगा। और ई भी क्या है कि पी के दाएं से दूसरा, देखिए पी को यहाँ पर बैठा लेंगे तो पी के दाएं से दूसरा, यही सबसे मेन लाइन था। इसको समझना है कि क्यू को कहाँ बैठा है सर, तो क्यू को यहाँ बैठाएंगे तो क्यू के दाएं से तीसरा। अगर क्यू को आप यहाँ गलती से भी, अगर कोई किसी ने गलती किया कि नहीं हम क्यू यहाँ बैठाएंगे, तो लो क्यू यहाँ बैठाओ और देखो तीसरा कहाँ हो रहा है, एक दो, अगर तीसरा यहाँ पर आर बैठाएंगे तो क्या हो पाएगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फिर पी के दाएं से कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्यू को वहीं बैठाना होगा जहां हमने बैठाया, बाकी क्यू इधर बैठाएंगे तो हो ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है। अब सबको बैठा लिए, एक बात यहां पर मेंशन है, अब बीच वाला पी और ओ के, कह रहा है कि पी और ओ के बीच में दो व्यक्ति बैठा है, तो ठीक है पी और ओ, तो ओ को यहां बैठाना होगा क्योंकि इसके बीच में दो व्यक्ति बैठा है, तो ठीक है। उसने एक बात और भी कहा, देखिए ओ और एन किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, यानी ओ और एन, तो इसका अर्थ एन यहाँ पर आ ही नहीं सकता है क्योंकि अंतिम छोर पर एन नहीं बैठा है, तो एन को वहाँ पर नहीं बैठाएंगे। इसका अर्थ एन कहाँ बैठ जाएगा, तो एन यहाँ पर बैठ जाएगा। तो एक व्यक्ति बचा है, देखिए एल बचा हुआ है, तो एल यहाँ पर बैठ गया, सब बैठ गया। इसमें कुछ न, बस इतना लाइन लिख देता है ताकि पेचीदा हो और नहीं कर पाए, हमने एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने को, फिर भी नहीं समझ पाते आप ज़रूर कॉमेंट करेंगे। पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के अंतिम छोर पर देखिए एक बैठा है यहाँ पर एम बैठा है और एक बैठा है क्या दोस्तों एल बैठा है, तो दो लोग बैठा है। तो देखिए दो लोग, तो अंतिम छोर पर क्या एम कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ एम है, एम 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 कहीं नहीं दिख रहा है, तो एम को हटा दो, एम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर एम नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर एल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया, क्योंकि पंक्ति के अंतिम छोर पर इस साइड का एल बैठा हुआ। ये भी लिखा है पंक्ति का अंतिम बाया छोर, लेकिन इसमें क्लियर कर दिया बाया छोर, हमने बाया नहीं देखा था इसके लिए माफी, बाया छोर, तो बाया में कौन बैठा है, एल बैठा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए कोडिंग डिकोडिंग का, इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग हमने बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं सेट में आया है, तो चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को कैसे करेंगे, तो चलिए इस जगह पर करेंगे और क्या यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे लिखा है जी, उसके बाद आर, और क्या लिखा है दोस्तों आई, तो ठीक है इसको लिखा है सी एच आर, और क्या लिख देंगे दोस्तों आई लिख देंगे, और इसी प्रकार से इसका कोड दिया है, जैसे यहाँ पर लिखा है बी आर ए एन डी, उसके बाद इसको लिखा है दोस्तों एन ई और डब्ल्यू, ठीक है ये देखिए इसको यहाँ पर लिखेंगे तो फिर होगा नहीं, यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करते हैं, एन ई और क्या हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका लिख दिए और इसका कोड लिखा है इस जगह पर जी, थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा जी वाई, और क्या लिखा है दोस्तों पी लिखा है, ई वाला कोडिंग देखिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार से लिखा है टी डब्ल्यू ओ, और क्या लिखा है दोस्तों एच लिखा है, इसका कोड देखा जाए तो वेरी ओल्ड लिखा है, इस जगह पर लिख देते हैं वी ई आर वाई वेरी, और इधर लिख देते हैं दोस्तों ओ एल डी, ठीक है ना, लेकिन छोटा छोटा लिखेंगे तब जाके अट जाएगा। उसके बाद फिर से स्टार्ट किया, यहाँ पर लिख लेते हैं जी हम लोगों का, हाँ जी आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, फिर लिखा हम लोगों के सामने बी यू, उसके बाद लिखा आर, फिर उसके बाद लिखा है टी डब्ल्यू ओ एच, तो इसका कोड देखिए इधर लिखना, छोटा छोटा लिखना होगा तब जाके हटेगा, फिर लिखा है ओ एल डी ओल्ड, उसके बाद लिखा है एंड, तो यहाँ पर हो जाएगा एंड, उसके बाद लिखा है दोस्तों न्यू, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे न्यू, ठीक है। उसके बाद फिर से आया है तो इस जगह पर लिख लेते हैं, यहाँ पर अटेगा नहीं तो यहाँ पर लेकर अटा लेते हैं, लेकिन करेंगे क्वेश्चन को जरूर करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। जी हाँ जी आर आई, उसके बाद लिखा है डी ई, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एच, फिर लिखा है टी, उसके बाद डब्ल्यू ओ एच, तो इसका कोड देखिए क्या लिखा है उसने, यहाँ पर लिखा है ओ एल डी ओल्ड, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों ब्रांड, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बी आर ए एन डी, तो ठीक है ब्रांड, उसके बाद लिखा है दोस्तों कार, तो सी ए आर, ठीक है यहाँ पर अट गया। अब सब चीज़ अटा लिया, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करना है, देखिए कॉमन देखना है कि कॉमन हम लोगों के सामने क्या क्या मिल रहा है, जैसे देखिए जी आर आई, तो जी आर आई देखा जाए तो यहाँ पर भी मिला, ये देखिए यहाँ पर भी मिला, उसी प्रकार से जी आर आई यहाँ पर भी मिला, तो अब देखिए इन दोनों में इधर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए सर एन ई डब्ल्यू और एन ई डब्ल्यू, और तो कोई नहीं मिल रहा है, क्या ए एन डी है इसमें, एन डी नहीं, ओ एल डी, ओ एल डी भी नहीं, उसी प्रकार से एक एक को खोजते हुए चलना है। यहाँ पर देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, मैन तो वही उस पर लाइन नहीं लगाना है, यहाँ पर लिख दिया, जैसे देखिए न्यू और कार का पूछा है, तो न्यू का कोड तो हम लोगों का जी आर आई आएगा, तो न्यू का कोड क्या लिखेंगे दोस्तों जी आर आई, यहाँ पर कर लेते हैं, न्यू का कोड क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो देखिए न्यू का कोड हमने निकाल लिया, न्यू के लिए इधर जो न्यू लिखे हैं इसका कोड क्या निकला, तो जी
यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जी उसके बाद हो जाएगा आर, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए जैसे कार का कोड ढूंढते हैं तो कार हम लोगों के सामने कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसे ब्रांड है तो ब्रांड देख लेते हैं किसमें मिला, देखिए यहाँ पर ब्रांड है दोस्तों, इस पर भी ब्रांड है और यहाँ पर भी ब्रांड है, तो इन दोनों में देखिए कॉमन हम लोगों के सामने ई साइड में क्या मिल रहा है, तो सी एच और क्या क्या, हाँ तो यही मिल रहा है सी एच आर आई, उसी प्रकार से इसमें हो जाएगा दोस्तों सी एच आर आई, तो हम लोगों का ब्रांड का कोड हो गया। तो उसी प्रकार से और देखते हैं कि क्या क्या मिल रहा है, जैसे ओल्ड यहाँ पर मिल रहा है, देखिए ना एक एक कोड को लेना होगा तब जाके आपका आंसर निकलेगा। जैसे अगर देखा जाए इधर हम लोगों के सामने ओल्ड मिल रहा है, यहाँ पर आपका ओल्ड मिल रहा है, तो इसमें भी हम लोगों के सामने ओल्ड मिल रहा है, तो इन दोनों में देखिए ओल्ड में क्या कॉमन है, तो देखिए टी डब्ल्यू ओ एच, उसी प्रकार से टी डब्ल्यू ओ एच, तो हम लोगों का देखिए कार के लिए कोड बच गया तो डी ई एच, तो यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा डी ई एच, इसका कोड क्या आ जाएगा कार के लिए, देखिए जो बचा यहाँ पर कार ना, तो कार के लिए कोड क्या हो जाएगा डी ई एच, यही वाला क्या हो जाएगा कोड हो जाएगा, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, देखते ही तुम्हारा स्किप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अभ्यास टाइप का क्वेश्चन लेकिन अलग अलग तरीके का, ऐसा नहीं वही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं। करें के एल एम एन ओ पी एस सात मित्र एक पंक्ति में बैठे उत्तर की ओर, फिर से वही बात आया उत्तर, जहां कहीं उत्तर देखे तो वही कहानी करना, यहाँ पर आपको दायां लिखना हमेशा एक फिक्स रखें, अगर उत्तर आया तो दायां इधर हो जाएगा और बायां, सबसे ज्यादा बार तो हमने देखा दायां बायां वाला ही, यही वाला उत्तर देता है, सबसे ज्यादा उत्तर वाला ही दिया है। कह रहा है कि देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर क्या है, L जो है K का क्या है दोस्तों निकटतम दायां, यानी L जो है तो इस जगह पर लिख लेते हैं L जो है K के एकदम निकटतम दायां, तो K का निकटतम अगर दायां करेंगे तो देखिए दायां इस साइड में जाएगा तो L इधर ही बैठेगा, तो L यहीं बैठा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहा कि K जो है M के दाएँ से चौथा, यानी K जो है दोस्तों M के दाएँ से, अगर M को यहाँ पर ले लेते हैं तो एक लोग दो लोग, अच्छा थोड़ा फुल फुल बैठा, चौथा पूछा है ना, तो एक लोग दो लोग और तीन लोग यहाँ कर देंगे और ये हो गया चौथा है। देखिए उसने कहा है के जो है एम के दाएं से चौथा है, तो देखिए ना के जो है एम के दाएं से पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा लोग हो गया, तो आपने अगर यहां तक बैठा दिया सबको, अगर बैठा दिया कितना लोग हो गया एक दो तीन चार पाँच छः, और यहाँ पर मित्र कितना है सात है, तो सात लोग है, तो सात लोग है, तो अब एक लोग और बचा हुआ है, तो देख लेते हैं एक लोग अब किधर बैठेगा। इधर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है एन जो है पी और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है एन जो है किस क्या होना चाहिए दोस्तों पी और एस का निकटतम पड़ोसी, आगे बढ़ता है इधर यहाँ से क्लियर एक लाइन यहाँ लिखा है जो व्यक्ति, इधर जो व्यक्ति एस के बाएं से चौथा है, जो व्यक्ति एस के बाएं से चौथा है वह हम लोगों का पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, इधर इस लाइन से क्लियर हो रहा है सबसे मेन लाइन यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे ताकि कन्फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट को ये प्रश्न स्किप हो जाएगा। करें कि जो व्यक्ति यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, जो व्यक्ति एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है वह पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है, तो एस को अगर यहाँ पर बैठा लीजिए लाइन को खेल देखिए क्या है एस के बाएं से चौथा, तो एस के बाएं से चौथा करेंगे तो एक दो तीन चार यहाँ पर हो जाएगा अंतिम छोर पर क्या हो जाएगा दोस्तों ओ बैठ जाएगा, मैंने जो व्यक्ति एस के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है वह पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, क्यों, क्योंकि एक लाइन से यहाँ पर हुआ है कि एन जो है दोस्तों पी और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो एन अगर इस जगह पर बैठा लें अगर है कि एन जो है तो एन इस जगह पर बैठा लें और इस जगह पर पी बैठा लें, तो देखिए यहाँ पर एन जो है पी और एस का निकट दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गया, तो एन पी और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी सबको बैठा दिए ओ इस किनारे में चल जाएगा। अब पूछा है कि पंक्ति के दाएं से चौथा कौन है, तो पंक्ति के दाएं से चौथा, तो दाएं से देखिए यहाँ से हो जाएगा यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों एन आएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर। लेकिन उसने कहा पंक्ति के दाएं से चौथे स्थान पर कौन है, तो दायां देखिए कौन साइड है ई साइड से चौथा कौन हो जाएगा, तो एन हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों सी क्या होगा सही होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, यदि चैनल पे पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों थैंक यू।